रजत ने बताया एलिस को टाइम ऑफ गॉड बनने के फायदे। कहा कि तुम पर ज्यादा खतरा है, यदि तुम्हारा कोई टाइम ऑफ गॉड नहीं बनता है तो सामने वाले को तो सीधा फायदा होने वाला है। जहां पर एलिस कहती है कि अब क्या ही फायदा होगा टाइम ऑफ गॉड बनने से, मैं तो पहले से नॉमिनेट हूँ तो भाई मुझे तो कोई बचा नहीं सकता है। तो भाई बात करें तो मेरे को तो भाई टाइम ऑफ गॉड से कोई अब लेना देना भी नहीं है, यदि बच गई तो अच्छा है वरना मैं सली जाने वाली हूँ। जहां पर रजत कहते हैं ऐसा नहीं होता है गेम में, टाइम गॉड धीरे धीरे शक्तियां बढ़ रही है। पिछली बार एक को बचाने को कहा था जहां पर मैंने दिग्विजय को बचाया, यदि आपका कोई टाइम गॉड बनता है, आपका कोई टीम का कोई टाइम गॉड बनता है तो हो सकता है वो बात करें तो आपको बच्चा भी सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसे टाइम ऑफ गॉड बनाना चाहते हो। आप अपने को टाइम ऑफ गॉड बनाओगे अपने किसी को तो भाई वो आपको बचा लेगा। यदि आप दोस्तों बात करें तो किसी और को बचाओगे तो भाई बात करें तो जिसको कम वोट मिल रहे हैं यदि वो बच गया तो आपका जाना घर से निश्चित हो जाएगा। इस तरीके से भाई टाइम ऑफ गॉड की शक्तियां काफी ज्यादा दोस्तों हैं। और अब आपको समझना होगा कि टाइम ऑफ गॉड की शक्तियां क्या क्या है, ये अभी तक आप समझे नहीं हो तो भाई बात करें तो आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा खतरा है। जी हां, रजत दलाल की यही बात लोगों को काफी पसंद आती है। दोस्त हो या दुश्मन, हर किसी को वो अपनी तरफ से एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं और उनको मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं।